डिंडोरी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में पानी की समस्या के निराकरण के लिए विधायक कैलाश कुशवाहा ने अधिकारियों को लिखा पत्र। पूरी विधायक कैलाश कुशवाहा ने बताया कि मेरी विधानसभा क्षेत्र भ्रमण के दौरान सरपंचों ग्रामवासियों द्वारा पानी की समस्या हेतु अवगत कराया गया है। क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या होने के कारण ग्रामीणों को पानी की समस्या बनी हुई। ग्रामीण जनों एवं पशुओं के पीने के पानी की अति आवश्यक है। गर्मी का मौसम होने के कारण पानी का वाटर लेवल नीचे जा रहा है, जिसके कारण से बोर व हैंडपंप में पानी कम हो गया है। इसके ग्रामीण जनों को पर्याप्त पानी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हैंडपंपों व बोर में कम लाइन होने के कारण से पर्याप्त पानी नहीं आ पा रहा है। मोटर व पाइपों एवं केबल की भी गंभीर समस्या बनी हुई। विधानसभा क्षेत्र पोहरी में आदिवासी ग्रामों की संख्या अधिक है तथा आदिवासी ग्रामों में पानी की अधिक समस्या है। विधायक कैलाश कुशवाहा ने बताया कि पेयजल समस्या के निराकरण के लिए उन्होंने जिला कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी और पीएचई के अधिकारियों से बात कर जल्द ही समस्या के निराकरण की मांग की है। आज हमारी पोहरी विधानसभा से क्षेत्रवासियों के कई फोन आए। एकदम ज़्यादा गर्मी के कारण ट्यूबवेल और हैंडपम्पों का पानी चला गया है, तो मैंने भी श्रीमान कलेक्टर साहब से बात की और उन्हें लेटर लिखा और उन्होंने भी तत्काल पीएचई के अधिकारियों से हमारी मीटिंग कराई और इसका हमने समाधान निकाला। जल्दी जल्दी ट्यूबवेलों के लिए भी परमिशन मिल रही है, कुछ ट्यूबवेल होंगे, कुओं का गहरीकरण होगा और क्षेत्र में पूरी कोशिश की जा रही है कि पानी की समस्या हमारी क्षेत्र की जनता को न हो, क्योंकि एकदम गर्मी बढ़ने के कारण काफ़ी समस्या आ रही है और पोहरी विधानसभा में लगभग 50-60% पानी की समस्या आ रही है। और मैं हमारी पोहरी विधानसभा क्षेत्रवासियों से क्षेत्रवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आप चिंता ना करें, मैं पूरी आपके बीच में कोशिश करूंगा कि हमारे क्षेत्रवासी पानी के लिए परेशान ना हो, आप बिल्कुल विश्वास करें। धन्यवाद।